महादेव, मेरे स्वामी, आप मेरे बिना कैसे रहेंगे? मैं नहीं रहूंगी तो इन पौधों का ध्यान कौन रखेगा? आपके लिए अपने हाथों से भोजन बनाना मेरे लिए किसी साधना से कम नहीं था महादेव। अब कौन करेगा आपकी ये सेवा? आपके इस पूजा स्थल को नित्य मैं अपने हाथों से सजाती थी, अब ये कार्य कौन करेगा महादेव? आपने क्या किया सती? आपने तो कहा था कि आप शीघ्र वापस लौट आएंगी, फिर क्यों क्यों आप अपने प्रिय शिव के पास नहीं लौटती? क्यों सती, क्यों? दोष दक्ष का है प्रभु, आपका इतना अपमान किया उसने, पर मां सह नहीं पाई। हाँ प्रभु, जब उसने हमें श्राप दिया हम चुप रहे थे, जब उसने आपको श्राप दिया था हम फिर भी अपनी मर्यादा का पालन करते रहे, और अब उसने हमारी मां को छीना है प्रभु। आपके प्रति घृणा ने उसे इतना अंधा बना दिया कि उसने अपनी ही संतान को इतना विवश कर दिया कि वो आत्मघात करती रही और वो निर्लज बैठा देखता रहा। अपराधी के दुष्कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा, मेरी प्रिय के अपमान का उत्तर देना होगा, इस अत्याचार का न्याय होगा, और वो करेगा मेरा रौद्र रूप। वीरभद्र, भद्रकाली, जिसने भी सती के साथ अत्याचार किया है उन सबको ऐसा भीषण दंड दो
कि आकाश भी सिहर उठे, धरती कांप जाए और ये ब्रह्मांड डोल उठे और वो अभिमानी संसार के लिए एक उदाहरण बन जाए। जाओ प्रतिशोध लो। परंतु माँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि महादेव तो देवी सती के जाने के बाद बहुत अधिक क्रोधित थे, तो फिर वो प्रजापति दक्ष और अन्य देवताओं को दंड देने के लिए स्वयं क्यों नहीं गए? उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न ही क्यों किया? क्योंकि महादेव की करुणा अथाह, उनके हृदय में दया का सागर लहराता है। उस भीषण मानसिक संताप की अवस्था में उन्होंने अपने कष्ट से अधिक दूसरों के कल्याण के बारे में सोचा। प्रजापति और अन्य देवता उनकी एक जटा से उत्पन्न रुद्र रूप का सामना नहीं कर पाए। ऐसे में यदि महादेव उन्हें स्वयं दंड देने के लिए तत्पर हो जाते तो विनाश का ऐसा तांडव होता कि ये समस्त संसार क्षण भर से भी कम समय में समाप्त हो जाता। तो आप शगुन है, बहुत अशुभ है ये। हे भगवान, अब क्या होने वाला है? महाराज, आप प्रजापति दक्ष हैं। इन अशुभ लक्षणों से, इन अपशब्दों से आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भृगु ऋषि कैसी बात कर रही है? ये किसी भयानक अनहोनी का आभास है।
सभी देवता और ऋषिगण भय से व्याकुल हैं। इनके भय को शांत करने का सिर्फ एक ही उपाय है। देव का ये रुद्र रूप कहीं समस्त सृष्टि का विनाश ना कर दे। देवी सरस्वती, अपने आप को ज्ञान की देवी मानती है ना आप? इस संसार के सभी प्राणियों को सही मार्ग दिखाने का उत्तरदायित्व है आपका। उसके पश्चात भी आपने इन पापियों का साथ दिया, ये अपमान पर्याप्त नहीं है, आपको इसका अधिक कड़ा दंड मिलेगा। अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो तुम सब, फिर भी तुम सब ने इस यज्ञ में भाग लिया। नंदी अकेला था और तुम सब इतने अधिक, उस अकेले को चारों ओर से घेर कर चक्रव्यूह रचा था तुमने। अब दिखाओ अपना शौर्य, तोड़ सको तो तोड़ो हमारा चक्रव्यूह। ये रक्त की वर्षा, ये वातावरण इतना भयावह कैसे हो गया? चंद्रदेव, महादेव ने तुझे अपने शीश पर बिठाया था,
इतना बड़ा सम्मान दिया था, पर तूने क्या किया? महादेव का हृदय छल्ली कर दिया। धिक्कार है तुझ पर। कहां भाग रहे हैं यज्ञदेव, जब महादेव के बिना यज्ञ कर रहे थे? तब भय नहीं लगा था आपको? अब विलंब हो गया है, आपको अपनी आहुति देनी पड़ेगी। इतने सारे देवता मिलकर इन दोनों का सामना नहीं कर पा रहे? हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? बाहर इसी भृगु, पुरोहित का कार्य होता है अपने यजमान को उचित अनुचित का भेद बताना, पर जो अधर्म करने के लिए उकसाए, महादेव के अपमान पर मौन हो जाए, वो पुरोहित नहीं पापी होता है। पापी ईश्वर, शिव द्रोही को दसों दिशाएं मिलकर भी आश्रय नहीं दे सकती। दक्ष जैसे महादेव शिव ने ब्रह्मदेव का अहंकार तोड़ा था, इस अहंकार से बड़े शीश की भी वही दशा होगी।